Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Raheel Ahmed on my channel Raheel Speaks. आज हम बात करेंगे पाकिस्तान सम इशूज़ ऑफ पाकिस्तान. तो सबसे पहले इशू आता है कश्मीर. कश्मीर मकबूजा कश्मीर में दो हफ्ते से कर्फ्यू लगा हुआ है. दो हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया है कर्फ्यू लगा हुआ है. तो इंडिया को हम अपील करते हैं कि कर्फ्यू हटाया जाए ताकि वो जो लोग कश्मीर में रहते हैं उनके लिए कुछ आसानियाँ हो सकें. उनका फूड वगैरह सब कुछ ख़त्म हो रहा है तो वो परचेज़ कर सकें और कुछ उनके लिए आसानी हो सके. वो दूसरी मैं कश्मीरियों के भाइयों के एक बात बताना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हैं. हमारे आखिरी सांस तक भी हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि एक दिन आपको ज़रूर आज़ादी मिलेगी. अब बात करते हैं दूसरा इशू की जो है कराची. तो कराची में एक मुहिम चली थी लेट्स क्लीन कराची. तो वो अभी भी चल रही है लेकिन कराची अभी तक मुकम्मल जो है साफ़ नहीं हुआ. तो ये कोशिश जारी है साफ़ करने की और मैं आवाम से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी कोशिश करें ताकि जल्द अज जल्द कराची को साफ़ किया जाए. दूसरी बात ये कि पूरी पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं, कचरा जो है ज़मीन पे फेंक देते हैं और एवरीथिंग मतलब जो भी डस्ट वगैरह होती है वो अपने स्ट्रीट वगैरह में फेंक देते हैं. तो ये ना किया करें. हमारा मुल्क है ये पाकिस्तान और इस पे जान तो हमारी कुर्बान है लेकिन इसको साफ़ भी रखना भी हमारा फ़र्ज़ है. हम ये तो ज़रूर कह देते हैं कि पाकिस्तान के लिए हमारी जान हाजिर है. पाकिस्तान मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए. तो ये स्टेप भी आप ज़रूर कीजिए ताकि पाकिस्तान को गंदा होने से बचाइए. ये भी हमारी एक किस्म की कुर्बानी है पाकिस्तान के लिए. और पेड़ ग्रीनरी बढ़ाएं, प्लांट्स लगाएं. ये भी एक स्टेप है कुर्बानी पाकिस्तान के लिए, कुर्बानी देने का. हमारे सोल्जर आर्मी पे सोल्जर बॉर्डर पे खड़े हुए हैं वो तो कुर्बान हो रहे हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन अगर हम भी उसमें शामिल होना चाहते हैं तो एक बात कि हमें पाकिस्तान को क्लीन बनाना होगा, दूसरी बात पाकिस्तान को ग्रीन बनाना होगा, और तीसरी बात ये कि ये दिल में जज्बा होना चाहिए कि हम इंशाल्लाह एक दिन अपनी जान पाकिस्तान के लिए ज़रूर कुर्बान करेंगे. नंबर तीसरी बात करता हूँ कि पाकिस्तान में इंक्रीजिंग डिजीज हो रही हैं. बहुत सारी डिजीज जो फाटल डिजीज हैं वो भी हो रही हैं, जैसे एड्स हो गई या कैंसर वगैरह, ये पाकिस्तान में इंक्रीज़ हो रही हैं. तो उससे एक आप ज़रूर एहतियात करें ताकि मैं आपको दो चीज़ें बताऊं कि बार बार इंस्ट्रूमेंट ब्लेड्स हो गए या जो भी उधर इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो इंजेक्शन्स वगैरह जो आप लगवाते हैं वो आप न्यू यूज़ किया करें ताकि इन बीमारियों से आप बच सकें. नंबर तीसरी बात कि कल मैं फेसबुक चला रहा था तो उधर मेरे को एक पोस्ट नज़र आई कि देयर वाज़ अ पोस्ट ऑफ अभिनंदन द पायलट वी रिलीज. सो वो आई और लिखा हुआ था कि पाकिस्तान गेट रेडी, पिताजी इज़ हियर. सो मैं ये बात जिस बंदे ने भी वो पोस्ट की थी उसको या इंडिया वालों को ये बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान आ जाए, मसला नहीं है, हमारे पास चाय तैयार है. द टी वाज फैंटास्टिक. समझ तो गए होगे आप लोग. पाकिस्तान जिंदाबाद.